गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमर व्लॉग्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अभी नारानाग में हैं। आज जो हमारा प्लान है वो ट्रैकिंग का है और हम आज जा रहे हैं गंगबल लेक्स ट्रैक की तरफ, जिसमें ट्विन लेक्स आता है गंगबल और नंदकुल, और हम हरमुख लेक्स, जो हरमुख के आसपास जितने भी लेक्स हैं वो हम कोशिश करेंगे इन दो दिनों में एक्सप्लोर करने का। अभी बजे है 7:15 हो चुके हैं। हम घर से 5:30-6 बजे निकले हुए थे। अभी हम नारानाग में हैं और ये जो नारानाग है, ये नारानाग का टेम्पल आप देख सकते हैं पीछे, और इसके लेफ्ट साइड में वांगथ रिवर है। और ये जो नारानाग विलेज है, ये बुटशेरी पहाड़ के बिल्कुल दामन में बसा हुआ ये बहुत ही खूबसूरत गांव है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। सुबह के 7:15 हो चुके हैं और वहाँ आगे से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे गंगबल के लिए। आज हमारा पहला दिन रहेगा और देखते हैं क्या मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी ऊपर बादल है, दिख रहे हैं तो वो दूर हो रहे हैं, तो आगे देखते हैं इंशाल्लाह। अभी करते हैं स्टार्ट, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, आई एम फ्रॉम ब्राज़ील बट आई लिव इन इंडिया फॉर 4 years। यू आर एक्सप्लोरिंग इंडिया? Yes, I know India very well. How was your experience? In India? No, here. Here? Oh, the landscape's amazing. Okay. Really amazing. It's much, much more amazing, beautiful than the photos. Okay. Yeah, that okay. You can see in the media, no? Much more. Do you have any special message from we people, like we are from Kashmir and... Yeah, I have. Yeah, like what? I think you really have to how to say, preserve... Yeah. Okay. What you have. Yeah, that's what I'm saying. People came here and put garbage here. Yes. And not through the garbage. And when you come here, one thing that I think will be work, and after finish camping, you pay local people to come and clean. Yes. So the local people have get some money. And they will. And the people, the place we. And also one thing, the bathroom, the toilets. Yeah. Hey guys, 2 hours hiking के बाद अभी हम पहुँचे हैं बुटशेरी, जो कि हमारा पहला स्टॉप है। हमने पहला ब्रेक लिया यहाँ पे। जो ग्रेट लेक से लोग आए हुए हैं वो भी खा पी रहे हैं और हम भी अपना थोड़ा ब्रेक लेंगे, खाएंगे पिएंगे। ये आप सीन देख सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे त्रिनकुल की तरफ। हे गाइस, अभी हम पहुंचे हैं बुटशेरी टॉप के पास, जो गंगबल लेक स्ट्रिक में से आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अभी पहुंचे हैं होटल खिदमत के पास। यहाँ पे आपका पहला स्टॉप रहता है। यहाँ पे आपको स्नैक्स मिलेंगे, आपको मैगी मिलेगी, आपको चाय मिलेगी, कहवा मिलेगा, कॉफ़ी मिलेगी, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। आपको मैं अंदर लेता चलूँ, क्या क्या कैसा सेटअप है आपको मैं लेता चलूँ। या ये देखिए, ये देखिए यहाँ का अंदर का सेटअप है, पहाड़ों में कैसा सेटअप होता है। ये वो वाली चीज़ें नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कस्टमर्स अपना मैगी एंजॉय कर रहे हैं। ये आप दिखाइए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे नेचुरल चूल्हे पे बनता है विदाउट गैस, कैसे ये सब चीज़ें बनती है। थैंक यू। हे गाइस, हम अभी त्रिनकुल मीडो में पहुँच चुके हैं। 2.5 घंटे का सफ़र हमें यहाँ तक लगा। हमें यहाँ पे एक लोकल मिले हैं, गुलाम नबी साहब, जो कि गांधरबल के रहने वाले हैं, तो ये कुछ मैसेज देना चाहते हैं। गुलाम नबी साहब, क्या शुतव सवान यादवार आम नौजवान इन तुम गुजारिश कर गंगबल तान इन सदसार नाराणाग यपर बड़ असल खूबसूरत जगह ये गो बो मोज दिवान सुबह ठूल ये बह लक अजक लोड़न क्या सुबह खेवा म्याद क्या शोर हे गाइस, अभी हम त्रिनकुल में हैं और हम अपनी परमिशन का वेट कर रहे हैं, जो कि दो बंदे हमारे गए हैं परमिशन के लिए। यहाँ पे परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो वो अपना सामान वगैरह चेक करा रहे हैं परमिशन को, और हम आगे जा नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली अभी जो है ज़ीरो विजिबिलिटी है, क्लाउड्स बहुत ऊपर आ चुके हैं। आप ये देख सकते हैं क्लाउड्स, हम बिल्कुल क्लाउड्स में है, ज़ीरो विजिबिलिटी है।
पहुंचने वाले हैं नूनकुल लेक पे, लेकिन ये जो पास हमने क्रॉस किया 10 मिनट पहले ही अचानक से फिर से मौसम ख़राब हो गया, बारिश शुरू हो गई। आप देख सकते हैं इतना क्लाउडी है, बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी है, फिर भी हम चल रहे हैं। आगे हमारे जो ग्रुप के ट्रैकर्स हैं बाकी सब आगे जा रहे हैं। अचानक से अभी जो क्लाउड्स है हाइड एंड सीक कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी नूनकुल लेक है, यहाँ पे पहुँचने में बहुत कठिन हो गया। हालांकि अगर मौसम ठीक रहता तो ठीक है, लेकिन जब नेचर आपका साथ नहीं देता है, मौसम आपका साथ नहीं देता है, तो बहुत सी चीज़ों का आपको दिक्कत होती है। जैसे कि हम बारिश में फंस गए आधा घंटा, ट्रेल में भी थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही थी, यहाँ पहुँचने में दिक्कत हो गई, पूरे कपड़े चेंज करने पड़े, पूरे बारिश में हम भीग गए। तो फाइनली अभी थोड़ा बारिश रुक गया, हमने सोचा लेक की तरफ जाते हैं, हमने जंप भी फिर नीचे किया, यहाँ पे बहुत सारी विंड्स ज़्यादा थी। तो ये जो अभी नूनकुल लेक आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल हरमुख फुट हिल्स के नीचे है, ये आप देख सकते हैं हरमुख, लेकिन ये अभी बादलों के मतलब अंडर क्लाउड्स है। तो इंशाल्लाह अगर वेदर ठीक रहा, अभी टाइम है,
शाम होने में, अंधेरा होने में, तो या तो हम आज रात में ही गंगबल लेक एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, नहीं तो टुमारो हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह कल हमारा प्रोग्राम वहाँ पे रहेगा जाने शुरू। गाइस रात के 10:15 हो चुके हैं, अब हम ये नंदकुल लेक पे कैंपिंग कर रहे हैं। सब लोग खाना खा चुके हैं और ठंड बहुत ही ज़्यादा है और सब लोग अभी अपने टेंट्स में बैठे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा मौसम ठीक हो गया है, ये आप देख सकते हैं। सब लोग सोने की तैयारी में हैं।